स्वागत है आपका डेली नौकरी के YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड से स्टाफ नर्स की वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, काफी ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो WBHRB से आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं 9300 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आ रही हैं। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं जो वेस्ट बंगाल से सरकारी नौकरी आ रही है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हम हर जॉब की जो है वो वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट से सरकारी नौकरी की खोज कर रहे हैं या फिर आप सरकारी रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप www.dailynaukri.com वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं ये जो वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए, जो वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड वैकेंसी लेकर आया है स्टाफ नर्स की, मैं आपको बता दूं वैकेंसीज जो है वो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की आ रही हैं। तो चलिए अब वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। देखिए, जो GNM फीमेल है उसकी 4242 वैकेंसीज और मेल की 293 वैकेंसीज। और अगर हम बेसिक BSc नर्सिंग की देखें तो फीमेल्स की जो है वो 4318 वैकेंसीज हैं और अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फीमेल की देखें तो 480 वैकेंसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, एलिजिबिलिटी में मैं सबसे पहले आपको एज लिमिट के बारे में बताऊंगी। यहाँ जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम जो है वो 39 इयर्स रखी गई है और यहाँ जो डेट दी गई है वो 1/1/2020, मतलब जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 के हिसाब से की जाएगी। और देखिए, कुछ कैटेगरीज हैं जैसे SC ST कैटेगरी है, OBC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उन्हें जो है एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी बट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते एलिजिबिलिटी की। यहां मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्या सेट की गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स पास किया हो फ्रॉम एनी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिकॉग्नाइज बाय बोथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और ये जरूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन एज फीमेल मेल नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल होना जरूरी है और आपको नॉलेज ऑफ बंगाली, नेपाली, स्पोकन एंड रिटन दोनों होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या भर्ती की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। दोस्तों, यहां मैं डिटेल में अभी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगी, एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी पूरा अभी आगे समझाऊंगी, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सरकारी नौकरी के अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की नजर डालते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में जो फर्स्ट फेज है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स होंगे और इसके 40 मार्क्स रखे गए हैं मैक्सिमम। उसके बाद एडिशनल मार्क्स 2 for marks 51 to 55 एंड सो ऑन 20 मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग आउट ऑफ कंसर्न कोर्स 25 मार्क्स जो है मैक्सिमम। इंटरव्यू 15 मार्क्स मैक्सिमम। देखिए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द बोर्ड मे होल्ड अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। अगर बोर्ड को लगता है कि उसे कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे तो वो एक प्रिलिमिनरी एग्जाम भी जो है कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा जो है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, कितना जो है आपको आवेदन शुल्क भरना है। देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट ऑनलाइन द एप्लीकेशन फी अमाउंटिंग टू ₹210। आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फी ₹210 भरनी है और ये आपको गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम के थ्रू भरनी है। और इधर अकाउंट दे रखे हेड ऑफ अकाउंट और जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST ऑफ वेस्ट बंगाल एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी, मतलब इन्हें एप्लीकेशन फी में जो है छूट दी गई है। सच एग्जेम्पशन ऑफ फीस हाउएवर नॉट एप्लीकेबल टू एनी OBC कैटेगरी ए और बी कैंडिडेट। OBC कैटेगरीज को कोई एप्लीकेशन फी में छूट नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, आगे और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो 13 मार्च से शुरू होंगी और जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है, बट बिफोर 8 PM। जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो 13 मार्च को जो है वो एक्टिव हो जाएगा। बट दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको 8 बजे से पहले पहले 23 मार्च को अपने आवेदन जो है वो जमा करने हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, आपको कैसे जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपनी एप्लीकेशन भेजनी है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक अगर आप ढूंढ रहे हो तो जो डिस्क्रिप्शन में dailynaukri.com का लिंक दिया है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डेली नौकरी पे चले जाएंगे और उस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड से आ रही स्टाफ नर्स की वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा 13 मार्च को। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।